नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के YouTube चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रीतिकालीन काव्य की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आज आपको इस कक्षा में रीति काव्य जो प्रश्न पत्र है उसमें काव्य शास्त्र के जो कुछ तत्व आपके कक्षा सिलेबस में रखे गए हैं उन उसमें से जो काव्य रीति है उसका परिचय हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। काव्य रीति के जो प्रकार हैं उनमें से जो प्रकारों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे काव्य रीतियों के कितने होती हैं। काव्य रीति जो है तीन रीतियों काव्य की तीन रीतियाँ उन्हें साहित्याचार्यों ने मान्यता प्रदान है। चौथी रीति लाठी रीति, तीन रीतियां पहले समझे कि वैदर्भी, गौंडी, पांचाली और चौथी लाठी मानी गई, लेकिन तीन रीतियों को ही काव्य के साहित्याचार्यों ने मान्यता प्रदान की है। वैदर्भी जो रीति है वो उसका संबंध है विदर्भ प्रदेश से और रीतियों का नामकरण, सभी रीतियों का नामकरण क्षेत्रीय आधार पर एक प्रदेश विशेष के आधार पर किया गया है। तो वैदर्भी का संबंध विदर्भ प्रदेश से है, यानी यूँ कह सकते हैं कि जो विदर्भ प्रदेश की जो काव्य की शैली थी उसे वैदर्भी रीति कहा गया साहित्य में, यानी उस तरह की जो रचनाओं की प्रधानता से युक्त जो शैली से युक्त जो रचनाएं थी उन्हें वैदर्भी रीति कहा गया। साहित्य शास्त्र में इसके जो लक्षण हैं वो क्या बताए हैं उन सभी का साहित्याचार्यों का सारथ्य साहित्य दर्पणकार ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में इस तरह से परिभाषित किया है। माधुर्य व्यंजक वर्णई रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति दृश्यते, अर्थात माधुर्य गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों द्वारा समास रहित अल्प समास वाली रचना वैदर्भी रीति कहलाती है। इसके कुछ और जो एक तो हमारे सामने बात स्पष्ट हुई कि इस रीति में माधुर्य जो गुण की व्यंजना करने वाले मधुर ललित पदावली से युक्त रचना होती है। दूसरी बात पंचवर्णों से युक्त इसमें रचना होती है और पंचवर्णों में जो ण्यकार और रेफ वाले जो पद हैं उनका अभाव इसमें रहता है या उनसे बचा जाता है रचना में। और ये मुख्य बात है कि ये जो रीति है वैदर्भी रीति ये माधुर्य गुण पर आश्रित है, तो माधुर्य गुण के जो लक्षण हैं वो सभी इस रीति में भी देखने को मिलते हैं। इसमें अल्प समास की रचना होती है या तो या फिर समास की रचना नहीं होती। कुछ आचार्यों से अल्प समास की रचना वाली रीति कहा है। द्वित संयुक्त रेफ वाले जो वर्ण हैं ऐसे पदों का प्रयोग इस रीति में नहीं किया जाता। इस रीति के जो उदाहरण, इस रीति का जो संबंध है कोमलावृत्ति से है और श्रृंगार, शांत, करुण तीन रस मुख्यतः इस रीति से संबंधित होते हैं, अर्थात इन तीनों रसों की जो रचना होती है वो वैदर्भी रीति से युक्त होती है। तो वैदर्भी रीति का जो उदाहरण है वो आप हम उदाहरण देखिए और उसे स्पष्ट करेंगे। वैदर्भी रीति के उदाहरणों में जो श्रृंगार के, शांत के, करुण के जो उदाहरण हैं वो सभी इस रीति के ही उदाहरण हैं। सबसे पहले बहुत ही जो है आसान और लोकप्रिय जो उदाहरण बताऊं मैं आपको, विहारी सत्संग में एक दोहा है जो कि प्रेमी प्रेमिकाओं के अटकेलियों से युक्त संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण है। तो इसमें बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हसे देन कहे नट जाए, ये जो रचना है ललित पद रचना है, माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त है और माधुर्य गुण की व्यंजन करने वाली है और अल्प समास या समास रहित रचना है और इसमें भी पंचवर्णों का प्रयोग इसमें हुआ है। और ये इस तरह से और जो उदाहरण हैं इस रीति के वो आप उदाहरण देखिए,
पायन नूपुर मंजू बजे कटकिंकन में धुन की मधुराई सांवरे रंग लसे पट पीत ही हल सेवन माल सुहाई माथे ग्रीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनहाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सुहाई। यहाँ जो कृष्ण की आराधना की गई है कबीरदेव द्वारा तो वो भी इसी उदाहरण है। और दूसरा जो एक और उदाहरण देखिए, श्याम के संग सदा हम ढोले जहाँ पक बोले अली गुन गुंजे लाहन माँ ओलाहन सो छहरे जय पीर पराग की कुंजे बेलन में रस के लिन में कवि देव कसूचित की गति बुंजे कालिंदी कूल महा कालिंदी कूल महा अनुकूल ते फूलते मंजुल बंजुल कुंजे। तो ये जो रचना है इस रचना में भी आप पंचम वर्ण से युक्त कोमलकांत मधुर पदावली का ब्रज भाषा का जो लालित्य है वह देख सकते हैं। और ये एक उदाहरण इस तरह का है। और इस रीति के जो कुछ और उदाहरण जो कि श्रृंगार शांत करुण रस जो है उसके जो है आप देख सकते हैं। इसमें कवि विद्यापति का जो है माधुर्य गुण से युक्त वैदर्भी रीति का उदाहरण देखिए। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निक्षो मुकुंद मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुबनते। माधवी वर्मा का इससे संबंधित एक उदाहरण देखिए। मधुमेह वसंत जीवन के वह अंतरिक्ष की लहरों में मधुमेह वसंत जीवन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। एक उदाहरण जो है आराध्य श्री राम के लिए तुलसीदास ने रचना की उसमें उसका कुछ पंक्तियाँ हैं वो देख। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु मो और धाम करहु सो मो और धाम सदा क्षीर सागर नयन सदा क्षीर सागर नयन। इस तरह से ये जो है वैदर्भ रीति के उदाहरण आपने पढ़े। तो ये जो सभी जो पद रचनाएँ उदाहरण तौर पर मैंने आपको बताई इनमें वैदर्भी रीति के जो लक्षण मैंने बताए वो सभी आप देख सकते हैं। और उस आधार पर उदाहरण के बाद ये कह सकते हैं कि इस वजह से ये जो रचना है ये वैदर्भी रीति से युक्त है। और आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम वैदर्भी रीति के जो अन्य दो भेद हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।